إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़द फ नाजीमा हर तरह की तारीफ उसबालमीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहान का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है राज है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है दरुदोसलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आखिरी नबी हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन अल्लाह ताला ने हम सब को पैदा किया जिंदगी गुजारने का तरीका बताया रश्दो हदायत के लिए बहुत सारे नबियों रसूलों और पैगंबरों को भेजा अल्लाह की मारिफ़त हासिल करने का अल्लाह ने हम सबको मौका दिया आज के खुतब जुमा में इल्म की अहमियत और उसकी ज़रूरत पर गुफ्तू करने की कोशिश करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रबालमीन मुझे हक बात कहने की आप हजरात को सुनने और समझने की और हम तमाम लोगों को हक बात कबूल करने की और अमल करने की तोफ़ी इनायत फरमाए इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नहमत है और जो शख्स इल्म से महरूम हो गया वो बहुत बदनसीब है सुन्नत का किस्मत वालों को मिलता है कुरानी मजीद में अल्लाह तबार व तआला ने ऐसे लोगों की जिनके पास इल्म है और ऐसे लोग जिनके पास इल्म नहीं है कई मिसालें दी एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस तबिल लदी ला यालमोन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि वह लोग जिनके पास इल्म है और वह लोग जिनके पास इल्म नहीं है क्या दोनों बराबर हो सकते हैं मतलब ये है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते जिनके पास इल्म है उनका मकाम व मरतबा ऊँचा है जिनके पास इल्म नहीं है उनका मकाम कम है कमतर है व तआला ने वजाहत के साथ बयान किया इसी तरह अल्लाह तबारक दूसरे मकाम पर फरमायाफ्लादीना आमनु मिन कुम व लदीना ऊतुल दरत अल्लाह तबारक तआला उन लोगों के मकाम को बुलंद करता है जो साहेब ईमान और उन लोगों के दर्जे को भी जो इल्म वाले आम इंसानों में ईमान वालों का मकाम ऊंचा है आप ऐसी जगह पर हैं जहां कुछ ईमान वाले हैं कुछ बे बेईमान हैं यानी ईमान वाले नहीं हैं गैर मोमिन हैं तो गैर मोमिनों के बीच में ईमान वालों का मकाम ऊपर है क्यों इसलिए कि उनको अल्लाह की अजीम नेमत हासिल है फिर जो ये जो इन इनामत के लायक हैं जिनको इनाम मिला यानी ईमान मिला उनमें भी उन लोगों का मकाम ऊपर है जो लोग इल्मे हैं यानी ईमान वालों में भी उल्म, इल्म वालों का मकाम ऊपर है हम सब मोमिन हैं लेकिन मोमिनों में इल्म वालों का मकाम ऊपर है इसी तरीके से अल्लाह रबुल आलमीन ने एक और मकाम पर फरमाया इन अल्लाह मिन इबाद वलमा हकीकी मानों में अल्लाह से डरने वाले वालमा ही हैं जिनके पास इल्म है वो अल्लाह से हकीकी तौर पर डरने वाले हैं खशियत रखने वाले हैं जिनके पास इल्म नहीं है जो अल्लाह को जानते नहीं हैं जिनको अल्लाह की मारिफत नहीं है जिनको दीन की और नबी की मारिफत नहीं है वो हकीकत में अल्लाह से डर नहीं सकते या डरने का हक नहीं अदा कर सकते या और बात है कि कुछ मोमिन हैं साहेब इल्म हैं लेकिन अल्लाह से डरते नहीं हैं ये उनका इल्म उनको इस्तेजाब में मुब्तला कर दिया बहुत सारे मोमिन हैं साहेब ईमान भी हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते हैं दुनिया प्रस्त वलमा अल्लाह के वसल्लम ने इसकी पेशीन गोई बहुत पहले फरमाई थी कि जो इल्म इसलिए हासिल करेंगे ताकि लोगों पे ऊपर अपना रोब जमाए तो उनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं पैदा होगा वो अल्लाह से डरेंगे नहीं चुनानचे ऐसे वर्मा की तादाद भी बहुत ज्यादा है जो लोगों पे ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए लोगों को यह साबित करने के लिए मैं सबसे बड़ा आलिम हूं मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म है वो उसी में मुबतला रहते हैं और खौफ इलाही से महरूम रहते हैं अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए इल्म की अहमियत का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने इल्म की ज्यादती की दुआ करने का हुक्म दिया चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो कुर रब्बी जिदनी इल्मा अल्लाह के रसूल आप दुआ करते रहिए जिद ने इल्मा इलमा अल्लाह मेरे इल्म को मजीद बढ़ा दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर इल्म के लिए दुआ करते रहे और आपने अपनी उम्मत को भी यही सबक दिया है कि सुबह के वक्त में शाम के वक्त में अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मनी आसाल काम नाफियन वरिजन तय्यबन सुबह के वक्त में तीन मरतबा शाम के वक्त में तीन मरतबा अल्लाह के नबी ने खुद एहतमाम किया हमें और आपको भी हुक्म दिया अल्लाह इन्नी इन असाल का इल्म नाफिया अय अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ वरिज कन और अय अल्लाह मैं पाकिजा और हलाल रोजी का तुझसे सवाल करता हूँ वह अम मुतकबला और ऐसा अमल जो कबूल किया जाने वाला हो आप इबादत करते रहें कबूल ना हो तो फायदा क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इबादतें करते हैं लेकिन रब उनकी इबादतों को कबूल नहीं करता है आमिलतुल्नासिबा तसला नारन हामिया कितने लोग ऐसे हैं जो अमल कर करके थक चुके हैं लेकिन जाएंगे जहन्नम में तो वो अमल जो अल्लाह के यहां कबूल ना हो उस अमल की कोई हैसियत नहीं हमें चाहिए कि अल्लाह से दुआ करते रहें अल्लाह मन असाल काफिया वरीद तय्यबा वतकबला इल्म दीन या अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसके पास भी ये इल्म है उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि प्यारे नबी ससर ने फरमाया मई यूरिदिल्लाहु भी खिरन यू फकी हूफ दिन सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह तबारक वाल किसी के साथ खैर और भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की फकाहत का इल्म देता दीन की समझ का इल्म देता आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं हदीस पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं लेकिन एक वो शख्स जो कुरान को पढ़ता भी है समझता भी है अमल भी करता है दावत तबलीग भी करता है उसका मकाम कितना ऊंचा होगा आप तस्वर नहीं कर सकते हैं यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि किसी को व सुन्नत की फुकाहत मिल जाए किसी को किताबो सुन्नत को समझने की सलाहियत हासिल हो जाए मैं यूरिदिल्लाहु खिरन युफी हो अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता करता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया मनसला का तरीकन यल तम सूफी है इल्मन अगर कोई शख्स कोई रास्ता चलता है वो रास्ता चलता है इल्म हासिल करने के लिए हमारे नबी ने फरमाया من طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه तो अल्लाह तबारक तआला उस रास्ते से जन्नत के रास्ते को आसान कर देता सही मुस्लिम की हदीस है इसका दो मफूम सहाबा ने बयान किया है मोहदसिन ने बयान किया है वो रास्ता जो चल रहा है दरअसल वो इल्म हासिल करने के लिए जो रास्ता तय कर रहा है वो इल्म का रास्ता नहीं वो जन्नत का रास्ता तय कर रहा है एक मफूम तो वाजे है और दूसरा मफहूम इसका यह है जो इल्म हासिल करता है उसके लिए जन्नत के रास्ते तय करना आसान हो जाता है वो जानता है कि अल्लाह ताला किन बातों से खुश होता है वो जानता है कि अल्लाह ताला किन बातों से नाराज होता है इसलिए एक एक आलिम जब कोई अमल करता है उसका अमल मुख्तसर हो लेकिन सवाब बहुत ज्यादा कमा लेता है और एक गैर आलम जिसके पास इल्म नहीं है वो अमल बहुत ज्यादा करता है लेकिन सवाब वो नहीं हासिल कर पाता क्यों इसलिए कि उसके पास हकीकी इल्म नहीं इल्म के साथ कोई काम करना और बेलमी में कोई काम करना दोनों में बहुत फर्क है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि वलमा अंबिया के वारिस हैं अलमा वरसतुल अंबिया मेरी उम्मत के वमा जो है यह अंबिया के वारिस हैं जिस तरीके से एक बाप मर जाता है तो बेटा उसका वारिस होता है हमारे नबी ने फरमाया कि वलमा अंबिया के वारिस हैं और और अंबिया दिरहम और दीनार छोड़कर नहीं जाते अंबिया इल्म छोड़कर जाते हैं। चूंकि इल्म अंबिया का छोड़ा हुआ सरमाया है और वलमा ने उसको हासिल किया इसलिए हकीकी तौर पर वलमा अंबिया के वारिस हुए एक दफा का वाक्य है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तलाो मदीने के बाजार में गए और मदीने के बाजार में खड़े होकर के ऐलान किया कहा लोगों तुम लोग यहां दुनिया समेट रहे हो वहां मस्जिद नबू में नबी की मीराश तकसीम हो रही है वो लोग जो तिजारत करने वाले थे अपनी दुकानों को बंद किया भागते हुए मस्जिद नबूई में पहुंचे थोड़ी देर के बाद वापस आए अबू हुरैरा वहीं खड़े हुए हैं उनको मालूम था कि लोग आएंगे सवाल करेंगे मस्जिद नबूई में आए देखा मंजर वापस गए कहा अबू हुरैरा तुमने कहा था कि नबी की वरासत तकसीम हो रही है नबी की मीरास तकसीम हो रही है हम तो मस्जिद में गए वहां कुछ भी नहीं था कहा तुमने मस्जिद में क्या देखा कहा हमने देखा कि कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं कुछ लोग दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं कुछ लोग जिक्र व अजकार की मजलिसों में बैठे हुए हैं तो हज़रत हर तब्रैरा रजी अल्लाह तुने कहा यही नबी की वरासत यही नबी की मीराश है इल्म हासिल करना मस्जिद नबोई में जो इल्म का दर्श दिया जा रहा है वही मीराश है मेरे भाइयों नबी का मीराश इल्म है और ये नबी का मीराश किसको मिला है वलमा को मिला है इसलिए वमा का मकाम बहुत ऊंचा एक और हदीस में अल्लाह के नबी नबीसलम ने फरमाया मन खरा जा फी तलाबिल जो शख्स इल हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है फहुआफी सबी तो वह अल्लाह के रास्ते में है हत्या यहां तक कि वह लौट आए अल्लाह के रास्ते में है यानी जिहाद के लिए गया इल्म हासिल करने वाला उसको वही सवाब मिलता है जो एक मुजाहिद को मिलता जिस तरीके से मुजाहिद इस्लाम के दुश्मनों से जंग करता है हथियारों के जरिए से तलवारों के जरिए से इसी तरीके से एक आलिम दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला करता है दलाइल के जरिए से किताब सुन्नत के जरिए से और आज मैं आपको बता दूं आज का दौर तीरों तलवारों का दौर नहीं है आज का दौर नजरियात का दौर है आज का दौर इल्म का दौर है आज का दौर दलाइल का दौर है आज बातिल परस्ते दलाइल के जरिए से इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश करती है किताब और सुन्नत के दलाइल से उनके मुंह को बंद किया जा सकता है और आप जानते हैं कि किताब और सुन्नत के दलाइल इतने मजबूत हैं कि सामने वाले को खामोश होना पड़ेगा लेकिन शर्त है हमारे पास किताबो सुन्नत का सही इल्म होना चाहिए आज बड़े बड़े रुखसत हो रहे हैं आज इल्म उठ रहा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कयामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा और आपने फरमाया इल्म ऐसा नहीं उठाएगा कि लोगों के दिलों से उठा लिया जाएगा बल्कि बड़े बड़े वमा चले जाएंगे और जब वमा चले जाएंगे तो जो बाकी रहेंगे उनके पास इल्म कम होगा लोग वमा ना होने की वजह से जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे वही मुसलमानों की रहबरी करेंगे उनके पास इल्म तो होगा नहीं लोग उनसे मसला पूछेंगे वो गलत मसला बताएंगे खुद भी गुमराह होंगे लोगों को भी गुमराह करेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुझे याद आ रही है आपने फरमाया कि क़यामत के करीब कसरुलतबा खतीब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तकरीरें करने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे कलील उलफोकहा समझदार लोग कम रह जाएंगे मेरे भाइयों आज आप देखिए स्टेज को सजाने वाले लाखों रुपए का सौदा करने वाले हमारे नौजवान उनके दीवाने होते हैं उनको बुलाया जाए जब उनको बुलाया जाएगा तभी मजलिस की रौनक बढ़ेगी कसरुलतबा तकरीरें बहुत करेंगे कलील उल्फो कहा इल्म कम हो जाएगा मेरे भाइयों आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं वो वही दौर है लोगों के पास इल्म कम है चंद किताबें पढ़ करके चंद हदीसें पढ़ करके लोग दावत तबलीग का काम करने लगे और इस इल्म को उन्होंने अपनी माश का जरिया बनाया और अवाम को बेवकूफ बना करके अवाम को लूटने की कोशिश की ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है अल्लाह के नबी वसल्लम ने बहुत पहले पेशीन गोई की थी और फरमा दिया था कि ऐसे लोग पैदा होने वाले हैं आपको मैं बताते चलो प्यारे नबी नबीसलम ने फरमाया फजलिम आबिद का फजली मेरी फजीलत जिस तरीके से एक अदना पर है इसी तरह एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर है आलिम का मकाम बहुत ऊंचा है इल्म की वजह से आप उसको मेबर देते हैं इल्म की वजह से आप उसको मुसल्ह देते हैं इल्म की वजह से आप उसको रहबरी देते हैं अगर वो इल्म का सही इस्तेमाल न करे तो पूरी कौम गुमराह हो जाएगी आज बहुत सारे लोगों को देखा जाता है हर आयरे गैरे को मुसल्ला दे देते हैं हर आयरे गैरे को मिंबर दे देते हैं मेरे भाइयों अगर उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी की कोई चीज है तो यही मिंबर और यही मुसल्ला है और मैं आपको बता दूं कि जब तक ये मिंबर और मुसल्ला अच्छे लोगों के और नेक लोगों के हवाले रहेगा उम्मत गुमराह नहीं होगी और जब यह मेबर और मुसल्ला अरे गहरे के हवाले कर दिया जाएगा दुनिया प्रस्तों के हवाले कर दिया जाएगा तो उम्मत की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा लोग अपने अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए अपना स्टेटस हासिल करने का, कर, हा, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए इस मिंबर और मुसल्ले का गलत इस्तेमाल करेंगे आज ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे मेरे भाइयों इसलिए वलमा की कदर करें प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम पर फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं आपने फरमाया अल्लाह भी करता इन अल्लाह बेशक अल्लाह व मलाई अल्लाह के फरिश्ते वह अर्ज और आसमान वाले जमीन वाले हत तल नमल तो फी यहां तक की चूटियां जो अपनी सुराखों में है हत्तल तल यहां तक की मछलियां जो समंदर में है लईसल्लू अला मुल नासिर खैर जो लोगों को खैर की बात बताने वाले हैं जो लोगों को तबलीग करने वाले हैं जो लोगों को दीन की बात बताने वाले हैं ये सब उनके ऊपर रहमत, रहमत, रहमत की दुआएं करते हैं अल्लाह तबारक वाली रहमत भेजता है फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं चूंटियां अपने सुराखों में आलिमों के लिए दुआएं करती हैं समंदर की मछलियां आलिमों के लिए दुआएं करती हैं शर्त यह है कि वह आलिम अच्छा और नेक हो शर्त यह है कि वह आलिम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम करने वाला हो अगर वह आलिम दुनिया परस्त है तो इन फजाइल से महरूम हो जाएगा हमें चाहिए कि हम उलमा की कद्र करें और अच्छे बुरों की पहचान बना लें इल्म की वजह से इंसान को रिफात और बुलंदी मिलती है फरिश्ते नूर से पैदा किए गए इंसान मिट्टी से बनाया गया जिन्नात को अल्लाह ने आग से बनाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अल्लाह ने आदम तो उसम को बहुत सारी चीजों का इल्म दिया फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि बताओ ये क्या है इनकी इनके नाम बताओ फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हमें इसका इल्म नहीं है हमें हम सिर्फ उतने ही जानते हैं जो तूने हमें बताया है फिर अल्लाह ताला ने हैत आदम से कहा कि आदम इनके नाम बताओ हैरते आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने क्या कहा फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो आदम को मसजूदे मलाइका बनाया फरिश्तों से सजदा करवाया किस बुनियाद पर इम की बुनियाद पर जब इल्म इंसान के अंदर आएगा तो उसको रिफात और बुलंदी मिलेगी इसलिए मेरे भाइयों इल हासिल करो इल्म का मुकाबला कुछ नहीं कर सकता है आपके पास दौलत है आपके पास उहदा है आपके पास मनसब है आपके पास हुनर है यह सारी चीजें एक तरफ लेकिन इल्म का मकाम अलग है इल्म को दुनिया के किसी भी नेमत से तोला नहीं जा सकता है और बताते चलो मैं है तो यूसुफ अली सला तोलाम दुनिया के हसीन और खूबसूरत नौजवान थे उनके हुस्न की मिसाल दी जाती है हुस्न यूसुफ कह कहकर के यूसुफ्लाम के हुस्न की मिसाल दी जाती है पढ़िए पुरानी मजीद है तो यूसुफ अलीसलाम इतने हसीन और खूबसूरत होने के बावजूद जब इनको मिस्र के बाजार में खड़े करके बेचा गया Allah ने फरमाया उनकी कीमत चंद दिरहम थी दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत नौजवान उसकी कीमत चंद दिरहम है चंद दिरहम में आजीज मिस्र ने खरीदा ला करके उनकी परवरिश की लेकिन यही यूसुफ अली सलाम जब जेल में डाले गए और इनके इल्म का तस्करा हुआ और इनके इल्म का चर्चा हुआ मैं तफसील में नहीं जाऊंगा जब बादशाह ने ख्वाब देखा और हैत यूसुफ सलाम ने उस बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई और आपके इल्म का तस्करा हुआ तो आपके इल्म की वजह से बादशाह खुश होकर के यूसुफ यूसफ सलाम को कौन सा मकाम दिया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया वजीर खजाना बनाया जब आपका हुस्न था हुस्न की कीमत चंद दिरहम थी लेकिन जब आपके इल्म का तस्करा हुआ तो आप मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर बने इल्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता वल्मा की इज्जत करें और यह बात इंसान को दुनिया में भी जिंदगी में भी फायदा पहुंचाती है और इल्म का फायदा मरने के बाद भी होता है हमें मालूम है शोहदायद में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए थे इतने लोगों की कब्रों को खोदना बहुत मुश्किल था चुनान चेह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक एक कब्र में दो दो तीन तीन मुसलमानों को कब्र में उतारा जाए एक एक कब्र में दो दो तीन तीन लाशों को रखा जाए आपको मालूम है प्यारे नबी ने फरमाया एक कब्र में दो आदमी को रखा जाता तीन आदमी को रखा जाता लाश करीब लाई जाती हमारे नबी क्या कहते इसमें कौन था जिसको किताब व सुन्नत का इल्म ज्यादा था कौन था जिसको किताब और सुन्नत का इल्म ज्यादा था पहले उसको कब्र में उतारा जाए मरने के बाद भी इस इल्म ने इंसान के मकाम को बुलंद किया प्यारे नबी ससरम फरमाते हैं किताबो सुन्नत का इल्म जिसको था उसको पहले उतारा जाए बाकी लोगों को बाद में उतारा जाए इंसानों की बात छोड़िए अगर जानवरों के पास परिंदों के पास भी इल्म आ जाता है तो उनके अंदर उनकी भी अहमियत बढ़ जाती आज हम लोग मिसाल देते हैं ना देखो इतने लोग मर गए कोई पूछने वाला नहीं है फला का कुत्ता मर गया वो कुत्ता आम कुत्ता नहीं होता है वो कुत्ता जिसके लिए पूरी मीडिया आती है वो कुत्ता जिसके लिए पूरा फोर्स आता है वो आम कुत्ता नहीं होता है ये कोई नई बात नहीं है अल्लाह ने कुरानी मजीद में बहुत पहले बताया था इंसान हो या जानवर इल्म की वजह से उसकी अहमियत बढ़ती है आम कुत्ता अगर शिकार करता है तो उसका खाना जायज नहीं है लेकिन एक शिकारी कुत्ता जिसको आपने ट्रेंड किया है जिसको कलबुल मुअल्लम कहा जाता है सिखाया हुआ कुत्ता ट्रेंड किया हुआ कुत्ता अल्लाह ने फरमाया कि वो कुत्ता अगर शिकार करता है तो वो शिकार खाना जायज है वो आम कुत्ता नहीं है आज बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं देखो एक कुत्ता मर गया पूरे लोग आ गए उसकी अहमियत है वो ट्रेंड किया हुआ कुत्ता है आप भी अपने आप को अहमियत के हामिल बनाएं आप भी ट्रेंड हो जाएं दुनिया आपके पीछे चलेगी बहुत सारी मिसालें हैं देने की जरूरत है। नहीं है मेरे भाइयों अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है चाहते सब हैं कि क्यों जे सुरैया पे मुकीम पहले पैदा तो करो अपने में वो कलब सलीम मेरे भाइयों अपने आप को बनाना पड़ता है अपनी अहमियत को बनाना पड़ता है चुनानचे एक ऐसा कुत्ता जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि तुम्हारे बर्तन में मुंह डाल दे तो सात मरतबा उसको धोना पड़ेगा लेकिन अगर उसको ट्रेंड कर दिया जाए उसको इल्म सिखा दिया जाए तो उसका शिकार खाना जायज और दुरुस्त है इल्म की अहमियत का अंदाजा इस वाकई से भी लगाया जा सकता है गजो बदर के मौका पर सत्तर कैदियों को गिरफ्तार करके लाया गया अल्लाह के नबी से सलम ने साहबा से मशवरा किया बाद सहाबा का मशवरा यह था कि इनको छोड़ दिया जाए सहाबा का मशवरा था कि इनको कत्ल कर दिया जाए है तो उमर बिन बिलखताब रजी अल्लाह तारह का मशवरा था कि अय अल्लाह के रसोल यारे दुश्मन है हमसे लड़ने के लिए आए थे इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे इसलिए इन सबको कत्ल कर दिया जाए है तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तनों का मशवरा था कि अयल्ला के रसोल ये हमारे अपने हैं और हमको अभी अपना फाइनेंस मजबूत करना है क्यों ना हम इनसे फिदिया लेकर के इनको छोड़ दें तो अल्लाह के नबी वसलम ने हरतेबू बकर के इस मशवरे को तस्लीम किया पसंद किया और आपने ऐलान किया कि गजब बदर के जो कैदी हैं उनके उनके जो रोफका हैं फिदिया देकर के अपने कैदियों को छोड़ा सकते हैं बहुत सारे कैदियों को छोड़ दिया गया कुछ कुछ कैदी ऐसे थे जिनके पास महफिदिया के लिए पैसा नहीं था हमारे नबी ने क्या कहा जो कैदियों में पढ़े लिखे लोग हैं हमारे कौम के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें हम उनको छोड़ देंगे अल्लाह अकबर दुश्मन को यह शर्त रखकर छोड़ा गया कि हमारे बच्चों को तालीम दे अब मैं आपको यहां एक बात बताते चलो बहुत सारे लोग इल्म दीन इल्म दीन की अहमियत अपनी जगह पर है मैंने भी जो फजीलतें बताई सब इम दीन की है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे की अहमियत नहीं दूसरे मौलम की भी अहमियत है अल्लाह के नबी ससलम ने उन कैदियों से जो इल्म सिखाने के लिए कहा था वो दीन का इल्म नहीं था वो दुनिया का इल्म था और मैं बताते चलो समाज और माशरे को मिल्लत और कौम को दोनों इल्म की जरूरत है और आज दोनों में हम पीछे हैं आज हमारे पास न ढंग के मदरसे हैं न ढंग के स्कूल हैं आज हमारे पास न बेहतरीन जामियात हैं न बेहतरीन कॉलेजेस हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए ईसाई स्कूलों में जाते हैं हमारे बच्चे हाई तालीम हासिल करने के लिए आला तालीम हासिल करने के लिए ईसाइयों के स्कूलों में जाते हैं हम इतराज तो करते हैं कि हमारे बच्चे ईसाइयों के यूनिवर्सिटियों में जाते हैं कॉलेजों में जाते हैं हमारे ईमान को खतरा है लेकिन हमने वो मीर कहां बनाया कहां है हमारी वो यूनिवर्सिटियां किसी के ऊपर ऐतराज करना बहुत आसान है इस्लाह करना बहुत मुश्किल है आज हमारी हालत यह है कि हमारे जामियात भी इल्म है लेकिन अदब खत्म हो गया जबकि इल्म से ज्यादा अदब की जरूरत है अगर इल्म के साथ अदब है तो इंसान कामयाब होता है और इल्म के साथ अदब नहीं है तो इंसान कामयाब नहीं होता है आज हमारे स्कूलों में हमारे मदरसों में इल्म दिया जाता है लेकिन अदब नहीं सिखाया जाता इल्म तो इब्बलिस के पास भी था उसने क्या कहा था मैं आदम से बढ़कर हूं मैं आग से बनाया गया हूं आदम मिट्टी से बनाए गए हैं अदब नहीं था सलीका नहीं था इल्म के साथ साथ अदब का होना जरूरी है सलाहियत के साथ साथ सालहियत का होना जरूरी है और आज ये बड़ा आलमिया है हम लोगों की सलाहियतों को देख करके उनको मुंबर और मुसल्ला दे देते हैं सालहियत नहीं देखते हैं उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये तो आलिम सही नहीं था इसने हमको धोखा दिया मेरे भाइयों सिर्फ सलाहियत ना देखें सालहियत भी देखना जरूरी है अच्छे और बुरे की पहचान करें कौन है जो बोलते हैं तो करते भी हैं कौन है जो बताते हैं तो दिखाते भी हैं मेरे भाइयों अगर हम तकरीर करते हैं तो जो बताते हैं लोग देखते हैं कि हम करते हैं कि नहीं अगर हम करेंगे लोग हमारी बात को मानेंगे हम बोलेंगे करेंगे नहीं लोग हमारी बात नहीं मानेंगे मेरे भाइयों तो इल्म के साथ साथ अदब का होना भी बहुत जरूरी है आज आज लोग इल्म से बेजार हो गए आज लोग दीन नहीं पढ़ाना चाहते हैं क्यों वजह क्या है इसके दो हैं वैसे तो बहुत सारे असबाब हैं लेकिन दो असबाब बहुत जरूरी है एक तो यह है कि जो इल्म दीन हासिल करता है उसको लोग बहुत कमतर समझते हैं इसलिए बहुत सारे लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते हाफिज नहीं बनाना चाहते क्यों इसलिए वो खुद जब किसी आलिम को या किसी हाफिज को कमतर समझते हैं तो अपने बच्चे को आलिम क्यों बनाएंगे? यह बुनियाद है जिसको समझने की जरूरत है हम समाज और माशरे के सामने यह साबित करते हैं कि हमारे दीन के रहनुमा हमारे मजहबी रहनुमा हमारी इस्लाह करने वाले हमारी निकाह और जनाजे को दुरुस्त करने वाले वलमा हैं लेकिन हकीकी तौर पर हम वलमा को कमतर समझते हैं हम हमा को हकीर समझते हैं इसीलिए बहुत सारे लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते हैं ये तल हकीकत है आपको ये बात मानना पड़ेगा आपको ये बात तस्लीम करना पड़ेगा इसीलिए लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाते लोगों का तस्वर ये मौलवी लोग सिर्फ कुरान हदीस के पास दुनिया की कोई इल्म नहीं दूसरी वजह क्या है दूसरी वजह यह है कि माशी तौर पर यह कमजोर होते हैं मासी तौर पर कमजोर किसने किया आपने किया है उनको अच्छी तनख्वाह नहीं देते एक एक डॉक्टर आता है लाखों रुपया महीना कमाता है एक इंजीनियर लाखों रुपया महीना कमाता है एक वकील लाखों रुपया महीना कमाता है आप एक आलिम को तनख्वाह कितनी देते हैं आप एक हाफिज को तनख्वाह कितनी देते हैं मेरे भाइयों इसको मानिए इसको तस्लीम कीजिए वल्मा को दीन से दूर करने वाले दीनी मदारिस से बच्चों को दूर करने वाले हमारा समाज है हमारा मुआशरा है अगर लोगों को मालूम हो जाए कि यहां भी अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी यहां भी लोगों को इज्जत दी जाएगी यहां भी लोगों के मकाम और मर्तबे को समझाया जाएगा समझा जाएगा तो लोग अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे मेरे भाइयों एक बात मैं आपको बताते चलूं ये तो एक हकीकत है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया लेकिन सही वलमा इन बातों की तरफ नहीं जाते ये ये मेरे दिल की बात बता रहा हूं सही वलमा इन चीजों की तरफ नहीं जाते कि तनख्वाह कम है या ज्यादा वो सिर्फ इसलाह की फिक्र करते हैं मेरी उम्मत की मेरी कौम की इसलाह हो जाए मिल्लत की इसलाह हो जाए लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं, हम कैसा भी गुजर बसर कर लेंगे हम दाल रोटी खा लेंगे लेकिन नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे ये अच्छे वलमा की मिसाल है और चंद वलमा ऐसे हैं तभी यह दीन कायम है सारे वलमा ऐसे नहीं हैं जो तनख्वाहों के पीछे भागते हैं सारे वलमा ऐसे नहीं हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं यकीनन आज के इस दौर में भी जब मादियत का दौर है माशी दौड़ का दौर है ऐसे वक्त में भी बहुत सारे वलमा अपने अरमानों का गला घोट करके दीन की और मिल्लत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए हैं यह अल्लाह का करम है और हमें चाहिए कि ऐसे वलमा की इज्जत कराएं जो अपने तमाम मामलात को छोड़ करके दीन के लिए अपने आप को वक्फ किया मेरे भाइयों आज बहुत सारे लोग ये ये तासुर देते हैं कि वालमा ये नहीं चाहते हैं कि लोग डॉक्टर बने लोग ये नहीं चाहते हैं कि वकील बने लोग ये नहीं चाहते हैं कि साइंसदा बने साइंटिस्ट बने ये बात गलत है यह बात गलत है इससे पहले भी मैंने ये बात बताई है और आज भी मैं आपको बताता हूं चाहे वकालत का मसला हो चाहे साइंटिस्ट का मसला हो चाहे तिब का मसला हो चाहे तिजारत का मसला हो ये तमाम मसले दीन से जुड़े हुए हैं पुरानी मजीद का आप मुताला करें जो सबसे पहली आयत आए तुरी एक और खलक खलक अल इंसान अमिन अलक पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया खलक अल इंसान अमिन अलक जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया साइंस यही आती है आज जो तहकीक करके साइंस पहुंची है हजारों साल पहले अल्लाह तला ने कुरानी मजीद में बयान किया कि मिया बीवी जब मिलते हैं तो यह नुतफा जो ब्राह्म मादर में टपकाया जाता है चालीस दिन तक वो नुतफा रहता है फिर उसके बाद चालीस दिन तक वो खून का लोथड़ा बनता है फिर उसके बाद चालीस दिन तक वो गोश्त का टुकड़ा बनता है चालीस 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 एक सौ बीस दिन एक सौ बीस दिन चार महीने का होता है तब फरिश्ता आता है उसमें रूह डालता है और उसके बाद उसको इंप्रूव करता है ये ये हमको कहां से मिला कुरान से मिला आज कोई कितना भी डॉक्टर हो जाए उसको मालूम नहीं है कि ये तिब ये डॉक्टरी कहां से निकली है कुरान से निकली है तो डॉक्टरी तिब ये कुरान से अलग नहीं है लेकिन मसला ये है कि हमने इसको अलग कर दिया दीन का इल्म दुनिया का इल्म इसलिए दीन के इल्म को हकीर समझा गया और दुनिया के इल्म को अहमियत दी गई हमने बांटा हमने बंटवारा किया एक डॉक्टर अगर वो सही मानों में डॉक्टर है और उसके अंदर अल्लाह का खौफ है तो वो अपने मरीज का इलाज इबादत समझ कर करेगा इबादत समझ कर करेगा हमारा मरीज अच्छा हो जाए बस हमें हमें अल्लाह ताला जरूर देगा मरीज की दुआएं लेगा लेकिन एक डॉक्टर अगर सिर्फ डॉक्टर है अल्लाह का खौफ उसके दिल में नहीं है तो मरे हुए मरीज को लाश को भी वेंटिलेटर पर रख करके अपना चार्ज बढ़ाने की कोशिश करता है जैसा कि हम देख रहे हैं डॉक्टर के मुखालिफ हम नहीं हैं डॉक्टर को इस्लामी माहौल में ढालने की जरूरत है और अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हमारी बहु बेटियों का इलाज कौन करेगा मर्दों को भी डॉक्टर बनना चाहिए औरतों को भी बनना चाहिए वकालत का मसला है वकालत भी ये, ये कुरान से अलग नहीं है इसका भी जो सिरा है वो कुरान से जुड़ा हुआ है एक वकील एक जज जब फैसला करता है तो उसको बेलाक फैसला करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जैसे ही वकील का नाम आता है हमारे जहन में एक अजीब कैफियत पैदा होती है लोग कहते हैं पैदा हुए या वकील तो शैतान ने कहा लोहाज हम भी साहिब औलाद हो गए इस्लाम में काजी नहीं थे जिसको इस्लाम में काजी कहा जाता है उसी को आज लायर और वकील कहा जाता है काजी भी थे काजी काजीजात भी थे यह भी कुरान से निकला है कुरानी मजीद में अल्लाह ने फरमाया वला यजरीमन अला तिलू ए दिलू हुआ कर बोली तकवा किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पर मजबूर ना कर दे कि तुम उसके साथ ना इंसाफी करो दिलो हुआ अक्रबल तकवा इंसाफ की बात करो ये तकवा से ज्यादा करीब है ये ये जजमेंट कहां से मिला कुरान से मिला मेरे भाइयों वकालत भी कुरान से है वकील बनना चाहिए मैं आपको कहता अपने बच्चों को वकील बनाएं आपके पास कई बच्चे हैं एक को आलिम बनाएं एक को डॉक्टर बनाएं एक को वकील बनाएं एक को ताजिर बनाएं जरूरत है समाज और माशरे को एक आलिम की जरूरत है मस्जिद संभालने के लिए एक आलिम की जरूरत है फतवा देने के लिए तो एक डॉक्टर की जरूरत है इलाज करने के लिए एक वकील की जरूरत है हमारे मुकदमात को देखने के लिए वरना पूरी कौम हमारी दुश्मन है और हम अपने दुश्मनों के पास अपने मुकदमात को लेकर जाएंगे तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि फैसला हमारे हक में होगा एक वकील की जरूरत है तिजारत की भी जरूरत है यह तिजारत भी कुरान से आया है ये तिजारत भी हदीस से आया है जो लोग यह समझते हैं कि तिजारत की हम मुखालफत करते हैं गलत है गलत है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है आपके साहबा ने तिजारत की है और हलते उमर रजी अल्लाह तला ने तो बायदा अपनी इमारत में और अपनी खिलाफत के दौर में यह ऐलान कर दिया था कि जो तजारत के वसूल को नहीं जानता है वह मदीने की तजारत गाह में ना आए सोचो हम समझते हैं कि तिजारत बहुत मामूली चीज है और आज जो ताजिर गड़बड़ करते हैं उसकी वजह यह है कि उन्होंने तिजारत की वसूल को नहीं समझा तिजारत तो करते हैं लेकिन वसूल को नहीं समझते तिजारत में धोखा नहीं होना चाहिए तिजारत में सामने वाले को जब तक सौदा पक्का ना हो जाए तब तक अख्तियार है सौदा को रद्द करने का सिलेक्ट करने का रिजेक्ट करने का ये सारे आप पढ़िए हदीसों की किताबें वकालत के तालुक से बाब है कजा के तालुक से बाब है तिजारत के तालुक से बाब है सारे बाब हदीसों में मौजूद हैं, सारी बातें कुरान में मौजूद हैं लेकिन हम लोगों ने अलग कर लिया हम लोगों ने अलग कर लिया अल्लाह के नबी ससल में एक बाजार में गए देखा कि गल्ला बहुत ज्यादा है आपने हाथ अंदर डाला देखा कि भीगा हुआ गला ऊपर है अंदर है सूखा हुआ गला ऊपर है आपने फरमाया कहा मनगश ना से मिलना जो धोखा दे वो हमारा हमें से नहीं है तो तिजारत करने वालों को इस्लामी वसूल मालूम होना चाहिए तो मेरे भाइयों हम किसी भी इल्म की मुखालफत नहीं करते हैं। और आज मैं मंबर रसूल से आपको यह पैगाम देता हूँ आप आलिम बनाएं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए वकील बनाए अच्छा ताजिर बनाएं समाज और माशरे को हर एक की जरूरत है लेकिन बनाए पढ़ाए इसलिए कि अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो लोग उनको इंसान समझते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसको आज इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर समझते हैं मेरे भाइयों समाज और माशरे में पढ़े लिखे लोगों की अहमियत है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं आलिम बनाएं डॉक्टर बनाएं इंजीनियर बनाएं, जो कुछ भी बनाएं लेकिन अच्छा बनाएं अगर आलिम बनाते हैं तो अच्छे मदरसों का इंतब करें जहां पर किताब सुन्नत की सही तालीम होती हो और जहां पर इल्म के साथ तरबियत का भी एहतमाम किया जाता है और अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर और वकील बनाते हैं तो अपने बच्चों को दीनी माहौल से भी उनको आगाह करें और हमारी मसाजिद में सुबह शाम बच्चों के लिए मकातब का इंतजाम होना चाहिए और इसी तरीके से जो दुरूस होते हैं सुबह में फजर के बाद असर के बाद इशा के बाद ये तमाम लोगों के लिए है इसमें डॉक्टर भी इंजीनियर भी वकील भी ताजिर भी सारे लोग बैठे कम से कम दिन में पंद्रह मिनट आप दिन सीखने के लिए वक्फ करें इन दरूस में बैठ करके आप दिन का बहुत सा हिस्सा हासिल कर सकते हैं साहब कान दिन कैसे हासिल करते थे इसी ही तो हासिल करते थे मस्जिदों में बैठे रहते थे चबूतरा नबी ने बनाया था नबी बोलते थे वो सुनते थे याद करते थे यही इल्म हासिल करने का बेहतरीन तरीका है आप नमाज में आते हैं खसूस फजर की नमाज के बाद असर की नमाज के बाद इशा की नमाज के बाद हमारी मसाजिद में बुखारी का दर्श होता है तफसीर का दर्श होता है आप बैठें आप वक्त निकालें आप दीन सीखें इससे बहुत सारा दिन सीख सकते हैं मेरे भाइयों ये बेहतरीन मौका है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रबालमीन हम तमाम को इल की कद्र करने की तोफीक इनायत फरमाए इसकी अहमियत को समझने की तोफीक ननायत फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिलखैर पर हो रब्बना तोब्बल मन्ना इन न कांत समय उलिम वतुबलैना इन न कांत तो रहीम बहमति का या अरहमर राहम नामी